दुर्ग जिले के धामदा ब्लॉक में विधायक ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल जिला शिक्षा विभाग के अभिनव प्रयास नव पहल से जन पहल कार्यक्रम की शुरुआत 8 माह पूर्व किया गया था। शिक्षा में भारतीय जीवन दर्शन संस्कृति संस्कार से जुड़ा छत्तीसगढ़ की पवित्र धारा को गौरवान्वित करने की नितांत आवश्यकता को महसूस करते हुए इस कार्य योजना की परिकल्पना की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी की जन भागीदारी से स्वांगण विकास को सुनिश्चित करना था। इस अभिनव नवचारी प्रयास के पहल से धमधा ब्लॉक में शिक्षा के स्तर को गुणवत्ता पूर्वक कर दिया गया है। इसी सफलता को देखते हुए अब यह योजना पूरे दुर्ग जिले में लागू किया जाएगा। सफलता की प्रेरणा से यह योजना पूरे राज्य में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही इस कार्य योजना से प्रेरित होकर यह प्रयोजन पीएम शिक्षा योजना में शामिल करने हेतु अध्ययन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग विधायक अरुण वोरा, धमधा नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता गुप्ता सहित क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस आयोजन में मुख्य रूप से समग्र शिक्षा मिशन कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र पांडे सहित धमधा विकास खंड के शिक्षक शिक्षिका एवं स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में धमधा विकास खंड को हम प्रथम पंक्ति पर स्थापित कर सकें और वह भी समुदाय के सहयोग से। जन पहल की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जन पहल की प्रेरणा सौभाग्य से मैं इसके पहले राज्य स्तर पर 20 वर्षों तक कार्यरत रहा और अकादमिक मेरी रुचि रही है, तो वो सब कुछ सोच मैं वहाँ से निकल कर आई बात। और दो चीज़ें जो मैं महसूस कर रहा था पिछले 15-20 वर्षों में, ये बात उभर कर आ रही थी कि समुदाय विद्यालय से दूर हो रहा है, शिक्षक हमारे समुदाय से दूर हो रहे हैं, तो ये इन चीज़ों की दूरी को कम करना भी एक हमारा प्रमुख उद्देश्य था। और मैं बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूँ और गर्व के साथ कि इस उद्देश्य में हम लोग काफ़ी कुछ सफल हुए हैं। आज जितनी गतिविधियाँ हमारी इस सत्र में संपादित हुई हैं, आज समुदाय का जुड़ाव विद्यालय से हो चुका है, शिक्षकों का जुड़ाव समुदाय से हो गया है। और आप देखेंगे धमधा विकास खंड में कभी भ्रमण करके, समुदाय स्वतः आगे आकर विद्यालयों की छोटी मोटी कोई समस्या होती है वो प्रोत्साहित करने की बात होती है, कोई कार्यक्रम होता है वहाँ पर उपस्थित होकर वो प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं, तो एक शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से उद्देश्यपूर्ण कार्यों का समावेश इस पूरे नव पहल अभियान में रहा है। तो मनाए और वहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को हमने जो है समृद्ध जो है उसको रखने के उद्देश्य से, उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया। दूसरा, दो हमारे स्थायी जो उपलब्धियां हैं नव पहल की, वो ये है विकासखंड स्तर पर हमने एक न्यू पुस्तकालय की स्थापना की है जो प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के बच्चों के लिए जितने प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए संदर्भ साहित्य हम वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। और यह बताते हुए हर्ष और गर्व होता है हमको कि यह भी कार्य पूर्णतः दानदाताओं के माध्यम से हो रहा है। कोई भी किताब हम अपने स्तर पर नहीं खरीद रहे हैं, दानदाता इन किताबों को वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे ही एक स्थायी हमारी उपलब्धि ये है कि हमर कला केंद्र की स्थापना हमने धमधा स्तर पर की है। उसका उद्देश्य ये है कि हमारी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के बारे में जितने कलाएं हमारी विद्यमान हैं उन कलाओं को कैसे हम जीवित रख सकें, उसके लिए बच्चों को और शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था हमने की है। अवकाश दिवसों में और संध्या काल में इन कलाओं का प्रशिक्षण हमारे शिक्षक साथियों को और बच्चों को मिलेगा। ये और महत्वपूर्ण बात उल्लेख करना चाहूँगा, ये दोनों सुविधाएँ प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय तक के बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए यह निःशुल्क व्यवस्था हमने की है। और आज जो समारोह होने जा रहा है अग्रदूत सम्मान समारोह, एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि यह सर्वमान्य सत्य है कि जितनी तत्परता से हम किसी को दंड देते हैं उतनी तत्परता से हम किसी को पुरस्कृत और सम्मानित नहीं कर पाते हैं। आज इस वाक्य को, इस कथन को हम लोग झूठा साबित कर रहे हैं। और जो भी साथी इस नौ पहल अभियान में
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, सक्रिय रहे हैं, उन सब को सम्मानित करने जा रहे हैं। और बड़ा गर्व होता है हमको ये कहते हुए कि ऐसा अनुपम पहल पहले कभी नहीं हुआ होगा। सफाई कर्मचारी तक को हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं, वृद्ध को सम्मानित करने जा रहे हैं, स्व सहायता समूह के सदस्यों को सम्मानित करने जा रहे हैं, रसोईया को सम्मानित करने जा रहे हैं, शिक्षक तो सम्मानित होंगे ही होंगे, लेकिन पूरी इस नौ पहल अभियान में जो हमारे टीम के हिस्सा हैं, वैसे ही हमारे समाज सेवी लोग हैं, दानदाता हैं, उनका भी हम लोग आज इस मंच के माध्यम से सम्मान करने जा रहे हैं। और हम ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।